आज मैं आपको गुजरात की प्रसिद्ध रेसिपी हांडवो बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है, ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होता है क्योंकि ये दाल और वेजिटेबल से बनाया जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसके लिए मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कप चावल लिए हैं, चावल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं बासमती चावल को छोड़ करके, और अगर आपके पास मोटे और टूटे वाले चावल है आप उसका भी यूज इसमें कर सकते हैं क्योंकि हमें तो चावल को पीसना है। आधा कप चने की दाल, 1/3 कप रेड की दाल जिसे तुअर की दाल भी बोलते हैं, 1/4 कप धुली वाली उड़द की दाल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ, चने की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल। अब मैं दाल में पानी डाल के इस दाल को 3 से 4 बार अच्छी तरीके से पानी से धो लूंगी। इस दाल को अच्छे से पानी से धोना है इस तरीके से। अब मैं इसका पानी फेंक देती हूँ। मैंने इस दाल को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। अब मैं इस दाल को 3 से 4 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देती हूँ। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, दाल चावल भी फूल गए हैं। देखिए मैं हाथ से दबा रही हूँ तो ये दब रहे हैं। देखिए अब मैं इसका पानी निकाल करके 2 बार और धो लेती हूँ। मैंने दाल चावल का पानी निकाल दिया है। अब मैं एक मिक्सी का जार लूंगी और इसमें से दाल को मिक्सी में डाल देती हूँ। इसमें से मैं आधे दाल चावल डाल देती हूँ। इसको मैं 2 बार में पीसूंगी। अब इस दाल चावल में मैं 1/4 कप पानी डाल देती हूँ और इसे मैं मिक्सी से पीस लेती हूँ। हमें बिल्कुल उसी तरीके का पेस्ट चाहिए जैसे कि हम इडली का बनाते हैं, ना ही ज्यादा पतला हो ना ही ज्यादा गाढ़ा, और दरदरा पेस्ट चाहिए। मैंने मिक्सी से दाल को पीस लिया है, हमें इस टाइप की पिसी हुई दाल चाहिए। देखिए मैं अभी आपको हाथ से दिखा देती हूँ। देखिए ये दाल दरदरी है, हमें बस इसी टाइप की दाल चाहिए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने एक बाउल लिया है, अब इसमें मैं इस दाल को निकाल लेती हूँ। जो दाल बची थी मैं उसको भी पीस लेती हूँ। जो दाल बची थी मैंने उसको भी पीस लिया है। अब मैं इस बाउल में इसको डाल देती हूँ। मैंने बाउल में सभी बैटर को निकाल दिया है। मैं बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ। मैंने जिस जार में दाल को पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इस पानी को मैं इस बैटर में डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ। हमें इस टाइप का बैटर चाहिए। अब मैं इस बैटर को 6 से 7 घंटे के लिए ढक करके फर्मेंट होने के लिए रख देती हूँ। जब ये बैटर फर्मेंट हो जाएगा इसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगी। 7 से 8 घंटे हो गए हैं, बैटर भी फर्मेंट हो गया है। जैसे किस समय गर्मी का टाइम है तो ये जल्दी फर्मेंट हो गया है, अगर सर्दी का टाइम में आप बना रहे हैं तो हो सकता है 10 से 12 या 14 घंटे भी लग सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फर्मेंट हुआ है। देखिए देखिए इसमें जाली आ रही है, हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल मिक्स करूंगी। वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर डाल सकते हैं या जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। मैंने आधी छोटी गाजर ली है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो डाल देती हूँ। थोड़ा सा पत्ता गोभी, इसे भी छोटे छोटे पीस में काट लिया है। मीडियम साइज की शिमला मिर्च जिसे छोटे पीस में काट लिया है। थोड़ी सी लौकी जिसे घिया भी बोलते हैं इसको भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मैं डाल देती हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाना पसंद करते तो सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं छोटी छोटी पीस करके। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही डालूंगी। नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब मैं इन सभी चीजों को मिक्स कर लेती हूँ। इन सभी चीजों को अच्छे से बैटर में मिक्स करना है। मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हांडवो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल पड़ी होती हैं।
चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून चीनी, चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं सभी चीजों को मिक्स कर देती हूँ। मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें हांडवा बनाने के लिए इस टाइप का बैटर चाहिए। अगर आपका बैटर गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं हांडवों को कढ़ाई में बनाऊंगी। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, 1 चुटकी हींग डाल देती हूँ, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच सफेद वाले तेल। अब मैं इन सभी चीजों को भुनने देती हूँ। अब मैं 1 लाल मिर्च डाल देती हूँ, उसके 2-3 पीस कर लिए मैंने, कुछ करी पत्ते, और इनको हल्का सा भून लेती हूँ। ये सभी चीजें भुन गई है। अब मैं इसके अंदर बैटर डाल देती हूँ। मैं 4 बड़े चम्मच बैटर डालूंगी। साइज आप अपने हिसाब से बना लें कि आपको कितने बड़े छोटे बनाने हैं, उस हिसाब से बैटर डाल लें। मैंने बैटर को एक सा कर दिया है। मैंने गैस को स्लो मीडियम कर दिया है। अब मैं इसे ढक करके 10 से 12 मिनट करीब पकाऊंगी, और गैस को स्लो मीडियम ही रखना है। 10 से 12 मिनट करीब हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए ऊपर से सिक गया है और साइड से ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैं इसको पलट देती हूँ। इसको हल्के हाथों से पलटना है जिससे कि ये टूटे ना। कितना बढ़िया सिक्के तैयार हुआ है, देखिए ऊपर से कितना अच्छा सिका है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देती हूँ जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। गैस को स्लो मीडियम ही रखना है। 10 मिनट करीब हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अब मैं इसे पलट के देख लेती हूँ। इसको हल्के हाथों से पलटना है। देखिए ये पीछे से भी कितना अच्छा सिका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, तो प्लेट को मैं उल्टी कर देती हूँ। देखिए कितना अच्छा हांडवो बनके तैयार हुआ है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये ऊपर से क्रिस्पी होता है, देखिए अंदर से सॉफ्ट। अब मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा हांडवो बनके तैयार हुआ है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। देखिए कितना स्पंजी बना है, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस हांडवो को हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होती हूँ। जब तक के लिए नमस्कार।